अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मौलाना जी के YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हमारे मौलाना जी आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सूरह इखलास से जुदाई का अमल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी दो इंसानों में जुदाई करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने शोहर से या आप अपनी बेगम से या फिर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जुदाई चाहते हैं, आप सूरह इखलास के अमल को पढ़कर यह काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस विधि को। दोस्तों, सबसे पहले आपको चने के दाल के 7 दाने लेने हैं, उसका इंतज़ाम करना है और इसे 7 दिन तक किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक साफ़ चादर बिछाकर ताज़ा वज़ू बना लेना है। उसके बाद एक दाना अपने सामने रखना है और उसके बाद सूरह इखलास को 121 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको उन दानों पर दम करना है। इस दौरान उनका ख्याल करें जिसकी जुदाई करवानी हो। इस अमल को 7 दिनों तक करने से दो लोगों के बीच नाजायज़ रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, यह हिदायत दी जाती है कि अगर किसी दंपति के बीच मधुर संबंध को ख़त्म करने के लिए इस अमल को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई औरत इसे करती है तो उसे पहले माहवारी से पाक साफ हो जाना चाहिए। दोस्तों, यह थी कुछ विधि जिसको पढ़ने के बाद, जिसको करने के बाद आप उन दो लोगों के बीच में जुदाई करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर आप इसको आपको करने के बावजूद यानी इस अमल को पढ़ने के बावजूद आपका काम ना हुआ हो, तो आप बिना किसी देरी के अपने काम को आसान करने के लिए या अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके मौलाना जी से संपर्क कर सकते हैं। वह आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तब तक लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।